बुंदेलखंड के महाकुंभ में बागेश्वर धाम पर चल रहे 108 कुंडी अति विष्णु महायज्ञ के दौरान इस महोत्सव में शामिल होने के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे। मंत्री अजय भट्ट ने सर्वप्रथम पहुंचकर बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए। सन्यासी बाबा के दर्शनों के पश्चात 108 अति विष्णु महायज्ञशाला पहुंचे। यज्ञशाला के दर्शन करके उन्होंने परिक्रमा लगाए। बागेश्वर धाम पर 155 कन्याओं के होने वाले विवाह के दहेज सामान का भी निरीक्षण किया और सराहना की। इसके बाद बागेश्वर महाराज से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंत्री जी ने मंच से उद्बोधन देते हुए कन्या विवाह को लेकर बागेश्वर महाराज की सराहना की और मंच से प्रधानमंत्री की भी जमकर तारीफ की। आज हमारे शहीदों को ये समर्पित किया है यहाँ का यज्ञ और यहाँ जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। अभी 108 कुंडी यज्ञ चल रहा है और हमारे वेटरन जो हैं वो लोग भी आज यहाँ पर आके लाभान्वित हो रहे हैं। हम लोगों ने जितने भी हमारे एक्स आर्मी के लोग हैं, जितने भी सेवानिवृत्त हैं, उनके लिए एक से एक योजनाएं चलाई हैं हर प्रकार से। OROP में तो हमारा अभी 1,00,000 करोड़ से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस समय कहीं भी कोई कमी नहीं कर रखी है और हमारी वार विडोज हैं, सारे लोग हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, सर्विस में, कहीं पर भी है, और उनके इलाज के लिए पूरी व्यवस्थाएं हमने कर रखी है। शहीदों के लिए जो भी किया जाना चाहिए उसमें कहीं पर भी कोई कमी कोर कसर हमारी सरकार मोदी जी कभी नहीं छोड़ते हैं। महाराज ने भी आज मंच से कहा है कि शहीदों के लिए विशेष कानून बनाना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, शहीदों के लिए तो सब कुछ विशेष ही है, सारी चीज़ें हैं, नियम बना है, कानून बना है। विशेष व्यक्ति का दर्जा मिलना चाहिए उनको? नहीं, शहीदों के लिए तो आपको होगा वार मेमोरियल पहली बार भारत में मोदी जी ने आके बनाया। अब आप डिजिटल श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं देश में। अगर कोई किसी विवाह किए जा रहा है, आप भी दहेज देंगे? अद्भुत काम है। खोज खोज के गरीब लाए, जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं होती थी उनको लेके, उनको गाड़ी भी दे रहे हैं, उनका सोफा सेट भी है, बिस्तर भी है, सारी चीज़ें बना के कहीं आभास नहीं होने दे रहे हैं उनको कि कहीं कोई कमी होगी। मकान है या नहीं उसकी व्यवस्थाएं भी भविष्य में सरकार कर रही है, केंद्र सरकार, मकान की, उसमें साजो सामान सब चीज़ें, पिछोड़ा है, घाघरा है, कपड़े हैं, बर्तन है, ताकि चूल्हा भी जला सके। तो ये अद्भुत बागेश्वर धाम महाराज जी अद्भुत काम कर रहे हैं। भाजपा की अभी पहली लिस्ट आई 195 की, उसमें आपका भी टिकट है, मोदी भरा है ना सारा ही। आज हम विज्ञान में भी हैं, आपने देख लिया है, और हम संस्कृति में भी हैं, संस्कृति भी है, और हमारा आध्यात्म भी है। हर तरफ चहुमुखी उन्नति इस समय हो रही है। यह हमारे कहने से क्या होगा, हमको तो कोई भी कह देगा भाजपा के हैं। आज जो विपक्ष के लोग हैं बाहर गरियाते हैं, परिवार में कहते हैं यार मोदी जी ने तो वास्तव में देश को आगे बढ़ा दिया है, ये स्थिति है। मंच पर उनकी मजबूरी है, कुछ न कुछ कहते रहेंगे, लेकिन अंदर आके सब लोग मन मन में कहते हैं कि वास्तव में देश आज बहुत आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि जब हम विदेशों में जाते हैं तो हम दलों के नाम पर नहीं, भारत के सिटीजन के नाम से जाते हैं। जो सम्मान मोदी जी के नाम से मिल रहा है आज हमारे विपक्ष के लोगों को भी, तब आंखें खुली की खुली रह जाती है। राहुल गांधी की यात्रा भी MP में प्रवेश कर